नमस्कार दर्शकों, मैं रजनी सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करती हूँ फेयर वॉइस न्यूज़ में। आज मैं बात करने जा रही हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में, जिन्होंने गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था, एक प्लान था जो कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत है। उन्होंने कहा कि उनका एक विजन ये जो था वो 2047 से पहले पहले भारत को विकसित भारत बनाना है, और उसमें जो है हमने कहीं हद तक जो है सफलता भी हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में गुजरात का जो है वो विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। अगर हम बात करें निवेशकों की, तो उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में सबसे पहले निवेशकों का ध्यान जो है वो भारत पर जाता है, और भारत देश में सबसे पहले गुजरात में जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लगभग 2 दशक पहले जब भारतीय जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया, उन्होंने अपना गुजरात मॉडल जो सोचा था उस गुजरात को बिल्कुल वैसा जो है विकसित बनाया। वहाँ पर जगह जगह विकास हुआ, यहाँ पर जगह जगह के निवेशक आए, और आज जो है गुजरात में हर इंडस्ट्रियल एरिया में जो है सफलता पाई गई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर हम देखें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली गाड़ियाँ हों, बैटरी के साथ चलने वाली गाड़ियाँ हों, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमने गुजरात में की हैं, जिसमें जो है बाहर के निवेशक भी निवेश कर रहे हैं और भारतीय निवेशक भी हैं। उन्होंने कहा कि ये जो दृष्टि थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी, जो गुजरात में तो बहुत ही अच्छे तरीके से सफल रही। अब इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गुजरात का विकास हुआ है, उसी तरीके से हम जम्मू कश्मीर में भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पर भी जो है निवेश हो। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा जी को धन्यवाद करते हुए कहा कि आज हम गुजरात के इस कार्यक्रम में आए थे, किंतु यहाँ पर जो है मनोज सिन्हा जी ने हमारे निवेशकों से ये प्रार्थना की कि यदि वो निवेश करना चाहते हैं, और ख़ासकर अगर वो नॉर्थ एरिया में अगर निवेश करना चाहते हैं, तो जम्मू कश्मीर से अच्छी जगह उन्हें कोई नहीं मिलेगी, उन्हें जम्मू कश्मीर में ज़रूर निवेश करना चाहिए। ये एक बड़ी बात जो है वो गृह मंत्री जी की तरफ से कही गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जो है जम्मू कश्मीर को विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत ही खुशहाल बने और विकसित बने। ये कहना जो है वो गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से